ने मुझे बॉक्स में कुछ चीजें भेजी है, मुझे इनमें से तीन इंग्रेडिएंट्स यूज करना है और कुछ बनाना है। बट दिक्कत ये है कि मैं एक बेसिक लेवल सर्वाइवल को That's where I come in. I am going to tell Rohan कि क्या बनाना चाहिए mystery box की ingredients के साथ and ये मैं करूँगा Ludo खेलते-खेलते and the best part is मैं इसे देख भी नहीं सकता. What? तो चल Rohan क्या है यार ये box के अंदर जल्दी बता. Let's see. Bell peppers, garlic, cheese, yeast है. ये क्या है? So good almond milk and मैदा है. तो बहुत सारी चीजें बना सकते हैं रोहन. आप बताओ कि सिंपल और अच्छा क्या हो सकता है. आई रियली थिंक यू शुड बी मेकिंग पिज्जा. मैंने पूरे लॉकडाउन में पिज्जा नहीं खाया है. वी आर गोना मेक अ व्हाइट पिज्जा. व्हाइट पिज्जा वो क्या होता है? ये खाने की टेंशन मत ले तू, वो मैं संभाल लूंगा. बबल टाइमर शुरू कर दो. टाइमर? ये टाइमर क्या है? मुझे किसी ने नहीं बताया. In a big bowl, take about 2 cups of flour. Bowl काफी बड़ा है, right? हाँ. उसके बाद नमक डालना है. नमक डालेंगे 2 teaspoon, not tablespoon, okay? 2 teaspoon और tablespoon में difference मुझे नहीं पता. मतलब size में तो समझ में आ जाएगा. एक एक खाने के लिए हाँ, use करते हैं. मेरे पास I think teaspoon. तो 2 चम्मच नमक. Use your hands. Okay. Make like this one well in the center. Like तू जू बीच में जाके ऐसे खड्डा बनाता ना sand में. ठीक है बनाया. बन गया. Experience है जू बीच का देखो. अब इसके अंदर अब now I'm trying to correct my own mistake. तो अब कुछ नहीं है, इसको साइड में रख. बोल को साइड पे रख दो. रख दिया. अभी एक छोटा कटोरी या कुछ ले ले. अभी उसमें डालेंगे यीस्ट. Add like 2 teaspoons again. हाँ. थोड़ा सा पानी डाल इसमें. हाफ लेवल तक भी भर दे तो चलेगा. लेकिन बोल कितना बड़ा है? एक मिनट. नॉर्मल बोल लाइक दाल की कटोरी जैसे. हाँ, उससे थोड़ा बड़ा मैं बोल सकता हूँ. क्वार्टर भर दे उतना पानी. क्वार्टर. अब इसमें डाल अबाउट 1.5 टीस्पून ऑफ शुगर. सो यू मिक्स दैट शुगर शुड डिसॉल्व. ही इज इसकी स्मेल मैंने पहली बार ऐसे की है. नहीं, इट्स अ वेरी प्लेजेंट स्मेल. आई डोंट नो व्हाई पीपल कंप्लेन. ओह नो. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं है. ओके, पुट इट इन द सेंटर ऑफ द डो. नाउ वी आर गोना ऐड सम मोर वाटर टू दिस. Every time my piece reaches home, I get 10 seconds to watch what he's doing. और अगर मैं जीत गया एक गेम, मुझे 20 seconds मिलते हैं. पानी ज़्यादा तो नहीं डाल दिया मैंने? Tension मत ले, पानी ज़्यादा डाल देंगे तो you can add a little bit of flour. I got 10 seconds. One is home. Can I watch it for 10 seconds? Oh, you can see me ना? Okay. I can see. ठीक है. अरे वाह. ये दिख रहा है? ये तो सूप बन गया. हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ. भाई एक काम कर, इसमें 2 कप और मैदा डाल. अरे मेरे को 2 कप समझ नहीं आ रहा है. 2-3 handfuls till it becomes like a dough. कैसे करना है? मतलब we have a lot of things to do, Rohan. रुको, अभी मैं mix करके देखता हूँ. At least you can shape it into a ball with your hands. थोड़ा sticky है अभी. चलेगा. तो इसको बस cover करके side पे रखते हैं. I think जो भी ये video देखेगा, उसको ये खाने का तो मन नहीं करेगा. मैं फटाफट हाथ धो के आता हूँ. हाँ, अब क्या स्टार्ट करना है सॉस के लिए? एक या दो गार्लिक के क्लोव्स ले ले and just smash them up. Okay, I want to see. ये देख सक रहे हो आप? Show me. ये देखो इतना, ये बहुत है. हाथ से स्मैश करूं? हाथ से, just go for it. सच्ची में? Go for it. So I wanted to tell you यार ये व्हाइट सॉस क्यों बना रहे, क्योंकि यार इटली में एक डिश होता है which is called pizza bianca. Bianca. Not your ex girlfriend. It is actually a dish. जो पिज्जा में रेगुलरली जो रेड सॉस जाता है ना, उसके जगह पे ये व्हाइट सॉस डाल देते हैं which is made with milk. But we'll be making that with almond milk. अब इसमें 3 big spoons of मैदा डाल. Keep frying it. ठीक है, जलाना नहीं है, heat कम करना. And what does it look like? Oily, buttery and little bit of flour? No. It's not. It's very dry. Add one more spoon of butter. मुझे लग रहा है मैं कर रहा हूँ. जलने मत दे. I am almost there. अब ये लग रहा है शीरा. This is the consistency that you want. तो अब जो है ना तेरा ये roux ready हो गया है. अब इसमें डालेंगे roux. Yeah, this is called a roux. It's a thickening agent. Like salt. Roux मतलब salt. R-O-U-X. Roux. Not वो वाला roux नहीं. मैं थोड़ा poetic हो गया. France वाला roux है. अब इसमें next step जो है, we are going to add the so good almond milk to make the base for your white sauce. Okay, got it. क्या got it? तुझे पता भी है almond milk होता क्या? अरे milk जो almond से निकलता है ना. अच्छा बताता हूँ. वो जो plant based होता है. हाई इन कैल्शियम, विटामिन B2, B12 एंड D होते हैं उसमें, वो वाला. अबे तू पैकेट से देख के बोल रहा है ना ये?
अरे इतना क्या अंडर एस्टिमेट मत करो भाई को, ठीक है? अच्छा अच्छा चल ठीक है ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके अब दूध डालना है इसमें। मैं थोड़ा थोड़ा करके डालता जा रहा हूँ। इज इट बिकम स्मूथ? इट इज गेटिंग कंबाइंड, यस। Almost mayonnaise like, yes. Bring this to a boil. जैसे ये boil पे आएगा, it will start to thicken. Okay, I've got 10 seconds. Now just add the entire meal. So अभी इसमें salt and pepper, you need to season it. Is it starting to thicken a bit? No, it's not. Why? Like, dude. I just got one more at home. I want to check. इससे एक बार sauce को घुमा. Okay. What is the black thing that is floating on your white sauce? I just saw something floating around like. वो garlic है जो जल गया. वो जब उबल रहा है ना, अब तू वेजिटेबल्स काट दे। रेड बेल पेपर आधा काट दिया है। How are you cutting it? Like diamonds काट रहा है क्या? Strips काट रहा है? Square rectangle type जो भी। Square है लेकिन it's rectangle. Okay, describe the situation. हाँ तो अब मैंने mixed up डाला, ठीक हुआ है पर जितना चाहिए उतना नहीं। Okay, I have 10 seconds. Oh, shit. It's too runny, dude. तो क्या करूँ अभी? Contour लेके आ जल्दी। लेके आ गया। अब थोड़ा सा ना पानी डाल देना, पानी मिक्स हुआ। Now we're going to pour that slurry into this and it should thicken the sauce. There are dough है ना, dough. हाँ। You take it out, you roll it out, and then you put it into this cake cut in so that it forms the bottom and the side wall. उतना बड़ा नहीं है मेरा dough. What have you put it already inside? हाँ अंदर डाल दिया। नहीं निकाल उसको, roll out. वापस निकाल दिया। थोड़ा सा मैदा डाल के roll it out and then place it into your cake mold. ये मैंने केक मोल्ड पे डाल दे, बॉटम पार्ट्स को थोड़ा इवन कर दे, ठीक है? डू यू गेट व्हाट आई एम डूइंग? देखो बिल्डिंग लाइक अ वेल। देखो पता है वो बाइक घूमती है ना, वो मौत का कुआं के अंदर। मौत का कुआं बनाना है। मौत का कुआं। एक मिनट ये सब चीज के पहले गो एंड स्टार्ट योर ओवन प्री हीटेड टू 200 डिग्री। ठीक है तो मैं ओवन प्री हीट करके आता हूँ। हाँ तो अवन मैंने प्रीहीट के लिए रख दिया है। ओके, पहला लेयर जो है दैट इज द व्हाइट सॉस। तो अब इसमें डालेंगे हम द ग्रेटेड चीज डाल दिया। अभी वेजिटेबल्स डाल दे थे, पालक के थोड़े पत्ते, यू कैन जस्ट टेयर इट ऑफ द स्टेम एंड जस्ट ऐड इट। ठीक है मैंने टॉपिंग डाल दिया। ओके आई गॉट 10 seconds 10 seconds 10 सेकंड मिले आपको? या दिख रहा है आपको? आई थिंक ये अच्छा दिख रहा है, थोड़ा सा और चीज और चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगैनो कैन पुट। अरे पिज्जा रेडी हो गया क्या? हो जाना चाहिए अभी तक। यस वन सेकंड। इज इट रेडी? ओके आई कैन सी यू, आई कैन सी यू एंड आई कैन सी दैट पिज्जा एज वेल। ये तूने नहीं बनाया। आई एम तो वेरी हैप्पी विद दिस आल्सो, दिस इज सो गुड। बस अब टेस्ट करने की बारी है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू कट इट। और ओ माय गॉड, थोड़ा ज्यादा ब्रेडी लग रहा है, बट आई थिंक दैट्स स्टिल फाइन, राइट? लाइक ब्रेडी थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा नमक ज्यादा लग रहा है मुझे। जो सबसे बड़ा डिजास्टर मुझे लग रहा था होगा वो एक्चुअली नहीं है। वो कौन सा डिजास्टर? लाइक द व्हाइट सॉस के जैसे जैसे वी मेड इट फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए ब्रो पूरे 1000 points ले ले, जितने पॉइंट्स के सब ले ले। अमेजिंग। Hey guys, check out the various So Good flavors in the link below. And if you like the video, don't forget to hit the like button, share this video and subscribe to Gobble.